हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार, डिजिटल के स्टार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियोस सीरियल वाइज नहीं है, जैसे कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सीरियल वाइज वीडियोस दे रहा था, ये वीडियोस इस सीरियल में नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस है यूट्यूब का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर, यूट्यूब का थंबनेल बनाना सिखाइए, थंबनेल बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाता, अच्छा नहीं बन पाता है, तो आप अच्छा से डिज़ाइन करना सिखाइए कि कैसे एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जिसको थंबनेल बनाना नहीं आता है, आपको भी ये काम आएगा जब आप यूट्यूब पे वर्क करेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना बहुत ही डिटेल में सिखाऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी होगी और आप अच्छा से सीख भी जाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको एक वेबसाइट का नाम याद रखना होगा, जहां पे आप इजीली कोई भी पोस्टर डिजाइन कर सकते, चाहे वो थंबनेल हो, चैनल आर्ट हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप पोस्टर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उस वेबसाइट का नाम है canva.com, ठीक है? तो मैं न्यू टैब में canva.com, देखिए यहाँ पे टाइप कर लिया, इस पर क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करके लॉगिन हो जाना है, ठीक है? जब आप साइन अप करिएगा तो इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देगा, इस तरह से इसका होम पेज आपको शो होगा, ठीक है? ये देखिए, होम पेज के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए होम है, यहाँ पे आप जो भी टेम्पलेट्स बनाना चाहेंगे, जैसे देखिए इंस्टाग्राम स्टोरीज हो, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक, यूट्यूब चैनल आर्ट, लिंक्डइन बैनर, जो भी आप टेम्पलेट्स बनाना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से आप एडिट करके अच्छा से बना पाएंगे, ठीक है? उसके बाद फ्रेंड्स है फीचर्स। तो फीचर्स में देखिए कि फोटोज, फ्री फोटोज, बैकग्राउंड, नेचर, एनिमल्स, फूड, इस तरह से आइकॉन्स, प्रिंट प्रोडक्ट्स, एप्स, एक्सप्लोर, डाउनलोड, इस तरह से आप यहां से एडिट करके इसको भी बना सकते हैं। लर्न में देखिए कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड ब्लॉग के लिए आप पोस्टर्स बना सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग में देखिए फ्री, कुछ ऐसे आपको टेम्पलेट्स मिलेगा जो फ्री है, उसको आप एडिट करके बना पाएंगे, और कुछ ऐसे है जिस जो प्रोफेशनल है, जिसको आप फ्री में नहीं बना पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ पैसे पे करना होता है। फ्रेंड्स, ये कैनवा का होम पेज है, जब आप साइन अप करिएगा तो इस तरह से इसका होम पेज आपको शो होगा, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको इस होम पेज का डिटेल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए ये होम है, जो भी आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करना होगा आप यहाँ से क्रिएट कर सकेंगे, नहीं तो यहाँ से सर्च करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अभी आपको टेम्पलेट्स का ही काम आएगा। अगर आपको कैनवा का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो YouTube पे मैं अच्छा से वीडियो बना दिया हूँ कैनवा का। यहाँ पे देखिए 21 मिनट का वीडियो है, आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए, हर कुछ समझ में आ जाएगा। कैनवा का डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बताया। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सर्च बार है, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए YouTube थंबनेल। यहाँ पे देखिए YouTube थंबनेल टाइप कर लिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने टाइप का थंबनेल होता है। यूट्यूब थंबनेल, म्यूजिक यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, ट्रैवल यूट्यूब थंबनेल, ट्यूटोरियल यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, फूड यूट्यूब थंबनेल, ब्यूटी यूट्यूब थंबनेल, इस तरह से आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने भी बहुत तरह के थंबनेल क्रिएट किया है। ओके, तो आपको यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको बहुत सारा टेम्पलेट्स डिज़ाइन मिल जाएगा, जिसको आप एडिट करके अच्छा से थंबनेल बना सकते हैं। इसमें बहुत सारा फ्री है, बहुत सारा पेड है। फ्रेंड्स, यदि आपको फ्री वाला टेम्पलेट डिजाइन करना है तो फ्री वाला भी कर सकते हैं, नहीं अगर आप पेड ही करना चाहते हैं कि कुछ पैसे दे के, जो भी कैनवा का प्राइस है, प्राइस दे के आप डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं, बट आप पैसे क्या देंगे, आप फ्री में डिजाइन करिए, ठीक है? तो फ्री वाला देखिए, यहाँ पे देखिए ये है पेड, पेड आपको डिजाइन करने देगा, ठीक है, बट आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। तो आपको याद रहे पेड
पेड वाला, जब आपको पैसे पे करना होगा तभी आप पेड वाला पोस्टर डिजाइन करें, ठीक है। नहीं तो आप फ्री वाला डिजाइन करें, फ्री वाला आप कैसा भी डिजाइन करिए, ठीक है। अगर फ्री वाला भी आप डिजाइन करिएगा तो उसमें पेड कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पेड आ गया, बहुत सारे ऐसे आपको आइकन्स मिलेगा जो पेड होता है, तो अगर थोड़ा वो आइकन्स भी आ गया आपके थंबनेल पोस्टर पे तो वो डाउनलोड करने नहीं देगा। तो आपको फ्री रिसोर्सेस ही यूज करने हैं। तो देखिए जो भी फ्री है उस पर लिखा होगा फ्री, यहाँ पे देखिए फ्री लिखा है, यहाँ पे देखिए पेड लिखा है, सारे डिजाइन्स पे लिखा हुआ होगा कौन फ्री और कौन पेड है, ठीक है। तो आपको फ्री वाला यूज करना है तो मैं ये यूज कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि इसका होम पेज क्या है, यहाँ से कैसे हम डिजाइन करेंगे। तो ये देखिए ये ओपन हो गया है। सबसे पहले अगर आपको ये सब चाहिए तो रखिए, नहीं तो यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको बैक बटन दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपको रखना है तो रहने दीजिए ये सब। सबको मैंने डिलीट कर लिया। अब ये देखिए इसका बैकग्राउंड है, तो मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड नहीं हो, कोई लाल पीला उजला कोई भी हो, ठीक है, ये बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये बैकग्राउंड है, तो अब यहाँ पे देखिए कलर का साइन है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए, आपको जो भी बैकग्राउंड कलर रखना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे ब्लू रखना है तो मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो भी बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स। बैकग्राउंड कंप्लीट होने के बाद आपको दो चीज़ लाना होता है, एक टेक्स्ट और एक इमेज, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के डैशबोर्ड के बारे में बता दूं ताकि आपको हर कुछ यहाँ पे लाने में सुविधा हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए टेम्पलेट्स है, यहाँ पे जो भी आपको टेम्पलेट्स चाहिए ये टेम्पलेट्स मिल जाएगा, ओके। ये मैंने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स है, आपको कुछ डिजाइन्स चाहिए, आइकन्स चाहिए तो आपको यहाँ एलिमेंट्स में मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से जो भी आइकन्स चाहिए यहाँ से आप सर्च करके यूज कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ अपलोड, यदि आप अपना इमेज अपने कंप्यूटर से अपलोड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। ये हुआ अपलोड करना ऑफलाइन अपने कंप्यूटर से, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है फोटोज, यदि आपको ऑनलाइन कोई इमेजेस चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके जो भी आपको इमेजेस चाहिए ऑनलाइन यहाँ पे सारा इमेजेस आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च कीजिए और आपको जो भी इमेजेस चाहिए, जैसे मुझे सक्सेस का इमेज चाहिए, सक्सेस पे क्लिक करूँगा। देखिए इस तरह से फ्री और पेड दोनों है, तो जो फ्री होगा मैं वो यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इस तरह से आप ये फोटोज़ यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे है टेक्स्ट, आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए आप इस पे क्लिक करके टेक्स्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स बैकग्राउंड है, तो आपको अगर बैकग्राउंड वैसे नहीं चेंज करना है, अगर दूसरा कोई बैकग्राउंड रखना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए यहाँ से ले लीजिए। जिस तरह जैसे कि देखिए मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप टेम्पलेट्स लेंगे तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको चेंज करके बताया था, ठीक है। अगर आप इमेजेस लाना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। जो भी चाहिए यहाँ से सर्च कर लीजिए और यहाँ से ले आइए, ठीक है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे इमोजी ला सकते हैं, पिक्सा वही इमेजेस ला सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। आप सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट ला के बताता हूँ आपको, तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और देखिए आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए, बहुत सारे टाइप का टेक्स्ट है, ठीक है। जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए ये टेक्स्ट आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। याद रहे आप प्रो वर्जन यूज़ नहीं कीजिए, ठीक है। प्रो वर्जन यूज़ करिएगा तो आपको पैसे पे करना होगा, अगर पैसे पे नहीं करिएगा तो कितना अच्छा भी डिजाइन करिएगा तो आपको ये डाउनलोड करने नहीं देगा, ठीक है। तो आप हमेशा फ्री वर्जन का ही यूज करें, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ से चाहिए टेक्स्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी टेक्स्ट, जैसे ये टेक्स्ट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ओके। आप इस टेक्स्ट को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। इधर चाहिए तो इधर ले जा सकते हैं, इधर चाहिए तो इधर ले जा सकते हैं, इधर चाहिए तो इधर, जहाँ भी चाहिए ले जा सकते हैं, ठीक है।
अब टेक्स्ट को देखिए, कभी छोटा करना होगा कभी बड़ा करना होगा, यहाँ पे देखिए माइनस है प्लस का साइन है, प्लस पे क्लिक करिएगा तो बड़ा होगा, माइनस पे क्लिक करिएगा तो छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कलर का है, टेक्स्ट कलर का, तो यदि आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए और जो भी कलर आपको चाहिए टेक्स्ट का वो कलर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, वो कलर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कलर चेंज हो रहा है, मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक पे क्लिक करूँगा, व्हाइट चाहिए तो व्हाइट पे क्लिक करूँगा, अगर मुझे कोई और ही कलर चाहिए जो इसमें नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसमें जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, इसको यहाँ से आगे पीछे करके कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं ये कलर रहने देता हूँ, ओके। कलर हो गया फ्रेंड्स, आप देखिए आपको यहाँ पे इटैलिक करना है तो इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक भी हो गया, देखिए इस पे क्लिक करिएगा तो भी ये सारा ऑप्शन सब यहाँ जो आता है इस पे क्लिक करिएगा तो भी ये ऑप्शन शो होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए अभी ऐसा इस पे क्लिक नहीं किया तो नहीं शो होगा, इस पे क्लिक करिएगा तो भी यहाँ पे सब ऑप्शन शो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलाइन करने का भी है तो आप जिधर चाहे अलाइन कर सकते हैं, अलाइन क्या करिएगा आप जहाँ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाना चाहते हैं इसे ले जा सकते हैं कर्सर से, ठीक है। आप फ्रेंड्स यहाँ देखिए बुलेट पॉइंट है तो बुलेट पॉइंट डालना चाहते हैं तो बुलेट बुलेट पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है इफेक्ट, यदि देखिए इफेक्ट क्या होता है पहले मैं आपको ले जाके समझाता हूँ। देखिए यदि इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर्स देना चाहते, जैसे मैं इस पर क्लिक करा, ठीक है, देखिए इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर्स आ गया, देखिए ये कलर्स आप यहाँ से इसको कलर को चेंज कर सकते हैं, देखिए ब्लैक आ गया, मैं इसको बड़ा करके आपको बताता हूँ, मैं इसको बड़ा बड़ा कर लिया, यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं नहीं तो यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं, ये मैंने आपको अच्छा से बता दिया, ठीक है। ये फ्रेंड्स टेक्स्ट लाना समझ गया, अगर इफेक्ट्स कुछ डालना है तो इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं आप, देखिए ये वाला इफेक्ट डालना चाहते तो ये इफेक्ट आ जाएगा, ये डालना चाहते तो ये इफेक्ट आ जाएगा, जो भी आपको इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट तो फ्रेंड्स समझ में आ गया कि आप कैसे टेक्स्ट के डिजाइन को एडिट करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के बाद आपको इमेजेस लाना पड़ता है, ठीक है, तो इमेजेस आप कैसे लाएंगे देखिए मैं आपको जैसे बताया, यहाँ अपलोड्स पे जाइएगा तो आप अपने कंप्यूटर से अपना इमेजेस डाल सकते हैं, ठीक है, जो आप सेव करके रखे हैं, नहीं तो आपको कोई ऑनलाइन इमेजेस चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं फोटो से, तो ज़्यादातर आपको अपना इमेजेस ही यूज आता है थंबनेल पे देने के लिए, ठीक है। तो मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, देखिए मैं बहुत सारा इमेजेस यहाँ से यूज़ किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करने के बाद देखिए अपलोड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिवाइस शो हो रहा है तो डिवाइस पे क्लिक कीजिए, डिवाइस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर का जो भी इमेजेस है यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा, आप जो भी इमेजेस सेव करके रखे हैं वो इमेजेस अपलोड कर दीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इमेजेस चाहिए तो इस इमेजेस पे क्लिक कर लूँगा, ओपन कर लूँगा तो यहाँ पे वो इमेजेस शो हो जाएगा, ठीक है। अब इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, देखिए आ गया। अब आप इसको जहाँ चाहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जा सकते हैं, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ चाहिए तो यहाँ ले आया, यहाँ चाहिए तो यहाँ पे ले आया, जहाँ पे चाहिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जा सकते हैं, ठीक है। इमेजेस समझ में आ गया। आप फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन इमेजेस लाना होगा, ठीक है, तो आप देखिए फोटोज पे क्लिक कीजिए, फोटोज पे आपको जो भी इमेजेस चाहिए, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का इमेजेस चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, यहाँ पे टाइप करने के बाद इंटर कीजिए, जो भी डिजिटल मार्केटिंग का इमेज होगा आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं ये इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब इसको देखिए आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आप कैसे बड़ा छोटा करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब ऐसा इमेज है, इस इमेज पे आप क्लिक कीजिए, देखिए इसका देखिए यार हाइट बढ़ाना है तो हाइट देखिए हाइट भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से देखिए है एरो का साइन है तो हाइट भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं,
यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इमेजेस को बड़ा कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ दोनों को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइट बढ़ेगा और यहाँ से विड्थ बढ़ेगा, और यदि आपको इमेजेस को ही बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, बड़ा हो गया। ठीक है, और जहाँ चाहे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जा सकते हैं। इमेज भी लाना सीख गए, टेक्स्ट भी लाना सीख गए, और आपका जो ऑफलाइन कंप्यूटर में सेव इमेजेस है वो भी लाना सीख गए। ठीक, इतना चीज़ सीख गए। अब फ्रेंड्स, कभी कभी आपको कुछ आइकन्स लाना होगा। ठीक है, आइकन्स, जैसे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं तो कभी मुझे यूट्यूबे का आइकन्स चाहिए, अब यूट्यूब का पढ़ा रहा हूँ तो कभी यूट्यूबे का आइकन्स अगर मुझे चाहिए मैं कहाँ से लाऊँ? तो फ्रेंड्स, अब हम आइकन्स लाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइकन्स कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको जो भी आइकन्स चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वो पेड वर्जन भी होगा और फ्री वर्जन भी होगा, तो फ्री ही आपको यूज करना है। जैसे मुझे यूट्यूब का चाहिए, मैं यहाँ पे यूट्यूब टाइप करूँगा। ठीक है, तो यूट्यूब का देखिए कैसा, देखिए यूट्यूब का आ गया। यहाँ पे देखिए फ्री भी है, पेड भी है, पेड है, पेड है, जो मुझे फ्री ही यूज करना है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब को यहाँ पे ले जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके ले जा सकता हूँ, इस पर क्लिक करके ले जा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से ला सकते हैं। फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आ गया। ओके, इतना ही रहता है, और यदि आपको इससे एक्स्ट्रा जानना है तो आपको अच्छा से कैनवा का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं थोड़ा डिजाइन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डालना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, ये कर लिया। देखिए इतना बड़ा हो गया, अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँगा तो माइनस पे क्लिक करूँगा। ये देखिए छोटा हो रहा है, हो रहा है छोटा, क्लिक करते जाइए छोटा होते जाएगा। ठीक है, जहाँ आप चाहे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ दे, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जब इस पर क्लिक करिएगा यहाँ पे देखिए इसका विड्थ बढ़ाने वाला है, तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको किस को बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा ना, इतना ही जगह में ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो, ठीक है, तो आप थोड़ा यहाँ पे इसको खिसका लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, इस तरह बड़ा कर लिए, टेक्स्ट डाल। अब फ्रेंड्स इमेजेस डालना है, तो मैं इमेजेस भी लाना आपको सिखा ही दिया। ठीक है, आइकन्स भी लाना आपको सिखा ही दिया। कभी कभी फ्रेंड्स आपको कुछ इमोजीज लाना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको आइकन्स लाना तो सिखा ही दिया कि आइकन्स यहाँ पे जाएंगे एलिमेंट्स में, आइकन टाइप करेंगे जो भी, वो आइकन्स आ जाएगा और यहाँ पे आइकन्स लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ पे आप आइकन्स लगा दीजिए। ठीक है, आइकन्स भी सीख गए। अब फ्रेंड्स इमोजी मैं आपको लाना सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इमोजी है, इमोजी पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आपको इमोजी चाहिए वो इमोजी से आप यहाँ सर्च करके भी ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ढूंढ के भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लाइक का चाहिए, अंगूठा का। ठीक है, ये मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसका आपको कलर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कलर, दो कलर है तो दो कलर यहाँ पे शो रहा है, तो आपको कलर चाहिए तो चेंज भी कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये येल्लो है तो इसको ग्रीन। ठीक, इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जब क्लिक करिएगा ना, इसको सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे कलर शो होगा, अगर चेंज करने वाला होगा तो यहाँ पे शो होगा, और नहीं चेंज करने वाला होगा तो नहीं। जिस तरह से देखिए ये इमेज है, इस इमेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नहीं नया कलर, दैट मीन्स इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब हमारा ये डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगा, देखिए मैं इसको थोड़ा ये डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ऐसा है तो मैं ऐसा ही रहने देता हूँ।
देखिए आपको अच्छा से डिजाइन करना है, ठीक है। जब मेरा अच्छा से डिजाइन हो जाएगा तो इसको देखिए यहाँ पे है ना डाउनलोड, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए किस फाइल में आपको डाउनलोड करना है, PNG, JPG, PDF, ठीक है, SVG। जब आपको डाउनलोड करना होगा तो आपको देखिए ये प्रोफेशनल है, ठीक है। जब आप कैनवा को पैसे देंगे तो ये आपको डाउनलोड करना। मैं ये यूज़ क्यों करूँ, ठीक है, मुझे PNG चाहिए, ठीक है। PNG पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी डाउनलोड हो रहा है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो भी मैंने डिजाइनिंग किया था यूट्यूब थंबनेल का, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे जो थंबनेल मैंने क्रिएट किया था कैनवा में वो इस तरह से शो। फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छा से यूट्यूब का थंबनेल डिजाइनिंग करना आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स तब भी कोई डाउट है, किसी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। जो भी आपका डाउट होगा मैं लाइव ट्रेनिंग देके उस डाउट को सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछते रहिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक।